तो क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के लोग रेस्टोरेंट में जाकर सबसे पहले क्या खाना पसंद करते हैं? तो जी हाँ, पनीर टिक्का। तो चलो बनाते हैं पनीर टिक्का एकदम रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी 100 ग्राम पनीर, जिसके हम मोटे मोटे से क्यूब्स कट कर लेंगे। सभी पनीर को इसी तरह से हम कट करेंगे। फिर मैं यहाँ पर ले लूँगी कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी अच्छे से इसी तरह से कट करेंगे। हमें इनको भी अच्छे से 2 पार्ट में कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने सभी कैप्सिकम इसी तरह कट कर लिए हैं। फिर यहाँ टमाटो ले लेंगे और टमाटो के बीज को अच्छे से निकाल देंगे और इसको भी हम 2 पार्ट में कट कर लेंगे। तो सभी वेजीज इसी तरह से कट करेंगे। यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लेंगे, जिसको हम सूती कपड़े में डाल लेंगे और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकाल देंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएंगे और इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, जिसमें ऐड कर लेंगे ऑयल। ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। यहाँ पर 1 कप ले लेंगे बेसन। बेसन को हम लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फिर मैं यहाँ पर ले लूंगी कश्मीरी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। तो गाइस, खाने के साथ साथ दिखना भी तो अच्छा बनता है ना। तो अच्छे से इसको भून लेंगे। यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उसमें इसको ऐड कर लेंगे। फिर हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले लूंगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, नमक, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा और कस्तूरी मेथी। फिर यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड कर लेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, पनीर टिक्के की मैरिनेशन बनकर तैयार है। यहाँ पर अपनी वेजीज ऐड करेंगे, जैसे कि कैप्सिकम, टमाटो और पनीर के क्यूब्स ऐड कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इनको मिला लेंगे। याद रखें, हमें इनको ज़्यादा नहीं मिलाना है, वरना ये टूट भी सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इनको मिलाते जाएंगे। यहाँ पर एक स्टिक ले लेंगे और उसमें सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने सभी को लगा लिया है। यहाँ हम गैस पर इसको अच्छे से स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसको हल्का हल्का सा हम भूनेंगे, जिससे कि हमारे पनीर टिक्के में एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा। एंड गाइज, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। एक बाउल में इसको लगा देंगे और यहाँ पर हम बटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेंगे। तो लीजिए भाई, हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय एंड लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। एंजॉय।